हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब का काजल यादव पर। फ्रेंड्स, बहुत सारी गर्ल्स कमेंट करती हैं कि दीदी पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए कैसी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुलिस की जॉब कैसी है लड़कियों के लिए, क्या लड़कियों को पुलिस की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। मुझे पुलिस विभाग में 2 साल पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं 2021 से पुलिस की जॉब कर रही हूँ। 2021 में मेरी ट्रेनिंग हुई थी और जनवरी 2022 से मैं थाने में कार्य कर रही हूँ। थाने का माहौल लड़कियों के लिए कैसा है और पुलिस की जॉब कैसी है, ये मैं सब कुछ बताऊंगी आज आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, गांव में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस की जॉब नहीं करनी चाहिए, और लड़कियां बहुत सारी कमेंट करती हैं दीदी कि पुलिस की जॉब लड़कियों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पुलिस की जॉब अच्छी है। जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस की जॉब में लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, या लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, या लड़कियों के लिए माहौल अच्छा नहीं है पुलिस की जॉब के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। पुलिस की जॉब काफ़ी सेफ है लड़कियों के लिए। अगर लड़कियां स्वयं अच्छी हैं तो लोग भी उनके प्रति अच्छे रहेंगे। जब तुम खुद ही अगर बुरी होगी तो लोगों का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बुरा होगा। तो तुम्हें अपना व्यवहार अच्छा रखना है, बाकी कोई तुमसे कोई अभद्रता नहीं करता है, कोई भी माहौल बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी जॉब है। थाने पे कोई तुमसे बदसलूकी नहीं करता, एक फैमिली जैसा माहौल रहता है, एक परिवार जैसा माहौल होता है। जैसे फैमिली में आपके भाई दादा चाचा होते हैं, वैसे पुलिस विभाग में होते हैं। तो सबका मेरे थाने में, मैं आपको बताऊं, मेरे थाने में काफ़ी अच्छा माहौल है, एक पारिवारिक माहौल है, और सभी लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। जब कहीं अपने थाने की ड्यूटी दूसरे थाने में लगती है तो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा बिहेव होता है सबका, कोई भी अभद्रता नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, वो बस पुरानी बातें करते हैं कि पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। अगर पुराने ज़माने में ऐसा होगा कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं रही होगी तो वही बोलते हैं। अब समय चेंज हो चुका है, 2023 चल रही है फ्रेंड्स, तो पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी है। और मेरे थाने में मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं अदर जगह भी मैंने ड्यूटी की है कभी कभी, वैसे तो मैं ऑफिस वर्क करती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा माहौल है पुलिस की जॉब में। बस इतना ज़रूर है फ्रेंड्स कि थोड़ी लाइफ बिजी हो जाती है, आपको 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी ही करनी है, तो बस, और घर से दूर रहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम तो है पुलिस की जॉब में फ्रेंड्स, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अभद्रता नहीं होती है और कोई मिसबिहेव नहीं होता है, सबका सहयोग रहता है। जब भी आप ड्यूटी करते हैं तो जो थाने में कार्य करते हैं, चाहे वो अधिकारी हों या आपके साथी हों, साथी कांस्टेबल हों, महिला आरक्षी हों, जो भी हों, सबका सहयोग मिलता है आपको, कोई जॉब बुरी नहीं है। जो भी बोलते हैं, जिनके भी माता पिता बोलते हैं, वो ये वीडियो दिखा दें उन्हें जाके, और उन्हें बताएं कि जॉब बुरी नहीं है, पुलिस की काफ़ी अच्छी जॉब है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको देना पड़ता है, 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाती है, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है ड्यूटी, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कोई अभद्रता नहीं होती है, आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी अच्छे से, और जॉब भी काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, एक कहावत है, आप भले तो जग भला। अगर स्वयं आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे लगेंगे, अगर आप स्वयं खराब हैं तो आपको सब बुरे लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग खराब है, बस लोगों की सोच खराब है। कुछ लोग दकियानूसी सोच के होते हैं, जो एक ही सोच पर चलते हैं, जैसे बोलते हैं लकीर के फकीर होते हैं ना। तो पिछले ज़माने में अगर माहौल ख़राब होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के ज़माने में माहौल ख़राब है। 2 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स मुझे इस विभाग में, काफ़ी अच्छी जॉब है, बस थोड़ी खामियां हर चीज़ में होती हैं, तो इस जॉब में भी कुछ खामियां हैं। आपको छुट्टी, जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता छुट्टी की होगी तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी त्यौहार पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बस ये दिक्कत है, छुट्टी की मेन समस्या है। आपको किसी भी संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, और आप घर पर जब भी कोई फंक्शन होगा तो आप अगर समझें कि आप अटेंड कर लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अटेंड कर लें, क्योंकि आपको टाइम से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और आपको डेली 10 से 12 घंटे ड्यूटी करनी है। तो कुछ खामियां होती हैं, हर जॉब में खामियां होती हैं, सिर्फ पुलिस विभाग को ही क्यों बदनाम कर रखा है। मुझे 2 वर्ष हो चुके हैं, मुझे लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा अपने प्रति, क्योंकि मैं जितना सब जैसा व्यवहार मैं जैसा लोगों से करूँगी, वो भी मेरे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात रही लोगों की, तो लोग हर विभाग में बुरे होते हैं, टीचर हैं उसमें भी बुरे हो सकते हैं, बैंक है उसमें भी लोग बुरे हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि पुलिस विभाग में ही लोग बुरे होते हैं।
ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ पुलिस विभाग को फालतू में ही बदनाम कर रखा है कि लड़कियों के लिए अच्छी अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस विभाग काफी अच्छा है लड़कियों के लिए, कुछ खामियां हर चीज में होती हैं। 100 में से 4-5 लोग हर विभाग में बुरे हो सकते हैं, और ये सिर्फ पुलिस विभाग में ही ऐसा नहीं है, पुलिस विभाग में ही बुरे हैं। आपके घर में भी 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलते होंगे, आपका अच्छा नहीं सोचते होंगे, तो ये हर जगह का है ऐसा। चाहे कोई सी भी जॉब ले लो आप, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं लोगों से। अगर आपकी भी आदत ख़राब होगी तो निश्चित है कि लोगों का व्यवहार भी आपकी तरफ बुरा होगा। बाकी फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आपको, ये सन 2023 चल रहा है और इसमें किसी भी लड़की के प्रति कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी अभद्रता नहीं करता है, कोई भी गलत व्यवहार नहीं करता है। ये मैं अपना 2 सालों का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लोग बोलते हैं। तो जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है 52,699, तो जितनी भी हमारी गर्ल्स देख रही हैं वीडियो, वो फॉर्म डालें अच्छे से, तैयारी करें अपना और जो विभाग ज्वाइन करें। बाकी कुछ खामियां हैं इस विभाग में, जैसे छुट्टी आपको टाइम से नहीं मिलेगी, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी 10 से 12 घंटे। जब सरकार आपको तनख्वाह देगी तो आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तो आप निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए, कोई ख़राब नहीं है। आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए तो लोग कोई भी लोग आपसे कोई भी अभद्रता नहीं कर सकता है।